Hi friend, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of IPC which is mentioned in our case. Med case का नाम है जादू नंदन सिंह वर्सेस इम्पीरर, ये 1941 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है जो IPC के सेक्शन 383 में मेंशन है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में एक्यूज जो है वो अपने कुछ साथियों के साथ दो लोगों को असॉल्ट करता है और फोर्सली उनका थंब इम्प्रेशन जो है वो तीन ब्लैंक पेपर पे ले लेता है। तो एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है आईपीसी के सेक्शन 383 के तहत और सेंटेंस दिया जाता है आईपीसी के सेक्शन 384 के तहत। ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड हैं। तो मामला जाता है हाईकोर्ट के पास। तो इस केस का इशू ये है कि प्रेजेंट केस में जो ऑफेंस कमिट हुआ है क्या वो ऑफेंस आईपीसी के सेक्शन 383 के तहत आता भी है या नहीं आता है, यानी कि ये जो केस है वो एक्सटॉर्शन का है भी या नहीं है, यही इस केस का इशू है। कोर्ट कहती है कि थंब इम्प्रेशन के गिविंग और टेकिंग के बीच डिफरेंस होता है। अगर विक्टिम को टाइड अप किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा और विक्टिम जो है वो थंब इम्प्रेशन देने से रिफ्यूज कर रहा है, लेकिन एक्यूज्ड जो है वो उसे डरा रहा है, धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसके बाद विक्टिम जो है वो डर जा रहा है और डर जाने के बाद वो थंब इम्प्रेशन देने के लिए राजी हो जाता है और उसके बाद अगर वो थंब इम्प्रेशन देता है तो ये मामला एक्सटॉर्शन का बनेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि कुछ लोग यानी कि एक्यूज जो है वो विक्टिम को पकड़ लेते हैं और फोर्सफुली उसका थंब इम्प्रेशन जो है पेपर पर ले लेते हैं तो ये मामला एक्सटॉर्शन का नहीं बनेगा। और इस तरह का मामला जो है वो क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट का बनेगा जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 352 ऑफ आईपीसी के तहत। और प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो विक्टिम को फोर्सफुली टाइड अप किया गया था और फोर्सफुली जो है उससे थंब इम्प्रेशन लिया गया था, इसलिए ये जो मामला है वो एक्सटॉर्शन का नहीं है बल्कि क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट का ये मामला है जो कि पनिशेबल है सेक्शन 352 ऑफ आईपीसी के तहत। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।